चार दिन और चार तस्वीर, चारों प्रदर्शन के लिए जगह भले ही अलग अलग हो लेकिन मकसद एक ही है। केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन का जो सिलसिला सोमवार को शुरू हुआ वह अनुप्रिया पटेल के घर से होते हुए पहले भूपेंद्र चौधरी के घर पहुंचा और फिर गुरुवार को ओम प्रकाश राजभर के घर तक पहुंच गया। लखनऊ का ये नजारा SBSP के अध्यक्ष और सूबे के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर का है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आज ठिकाना इन्हीं मंत्री महोदय का घर बना। ओम प्रकाश राजभर भी पिछड़ी जाति से आते हैं और प्रदेश में पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, इसीलिए OBC अभ्यर्थियों ने चौथे दिन इन्हीं के कानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लोग हैं, तो हम के हमारे लोग हैं तो उनको न्याय कब मिलेगा महाराज। राजभर भी पीछे नहीं रहे, बाकायदा ट्रेडमार्क ड्रेस में अभ्यर्थियों के बीच पहुँचे और उनकी बात सुनी, अपनी बात भी कही। हम आपके साथ हैं, हम जो बात आप कह रहे हो मुख्यमंत्री से मिलने का, 5 लोगों को हम ले चलेंगे, हम प्रयास करेंगे, हमारे हाथ में होता तो भैया हम नियुक्ति पत्र बांट देते मरते। बात आपने ये भी कही है कि कुछ राजनीतिक दल जो है इनको प्रेरित कर रहे हैं। राजनीतिक दल तो जान ही रहे हैं कि ऐसे लोगों में ऐसे समय पे लोग हवा देते हैं, अब उन लोगों को चाहिए कि इनको कैसे न्याय मिले। अरे विरोधी पार्टी वाले हैं और कौन, अरे सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं और कौन लोग हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिन 69,000 शिक्षकों की 2020 में भर्ती हुई उनमें से 19,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। OBC अभ्यर्थी मंत्री के भरोसे से अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। हम लोग जो है इस आश्वासन से जो है जब तक हमारा जो है कुछ धरातल पर नहीं दिखता अभी संतुष्ट हैं। राजभर क्या सोचते हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट तो तब हम लोग होंगे जब न्याय मिलेगा। अपनी क्षमताएं पहले लिमिटेड कर दी है सारी नेताओं ने, जिसके भी यहाँ हम जाते हैं आपके सामने कैमरे के सामने भी वो ये कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है। अगर वो नेता की तरह सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि मिलवाएंगे। लगातार हमारा घेराव चलता रहा है और चलता रहेगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे समाज से आते हैं। संदीप सिंह जी हैं, स्वतंत्र सेव जी हैं, सबका आवाज घेरा होगा। शिक्षक भर्ती में आरक्षण का ये विवाद कई महीनों से चला आ रहा है। पिछले महीने हाईकोर्ट ने सरकार से नई मेरिट लिस्ट बनाने को कहा था, जिसके लिए 3 महीने का वक्त दिया। हालांकि अभ्यर्थी लगातार सत्ताधारी दल के पिछड़े नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन कर दबाव बना रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.